वेलकम टू टेक्निकल शिजा। मेरा नाम है सोनिया और आज हम कैपकट की दूसरी क्लास की तरफ और आज हम अपनी अटेंड करेंगे कैपकट की सेकंड क्लास। इसमें भी आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक एक स्टेप को आप डिटेल से देखिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपने ना सबसे पहले करना क्या है कि आपने कर लेना कैपकट के अंदर लॉगिन कर लेना। आपने लॉगिन कैसे करेंगे, आपको जो नजर आएगा ना गूगल का कोई भी लोगो वगैरह या कोई चीज नजर आएगी ना, आपने गूगल से उसको लॉगिन कर लेना। उससे आपको ज्यादा डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ना, कल फिर ओपन ही था और पहले फेसबुक का आ रहा था, फिर ऑप्शन आ रहा था, मैंने कुछ क्लिक आप जो फेसबुक वगैरह के ऑप्शन आ रहे थे ना, वहीं से आप गूगल का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे ना तो आपको हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले दो चीजें जो है ना वो आपकी हल करते हैं, दोनों ही इंग्लिश के रिलेटेड है, तो आपके ना इस चीज को हम दरमियान में से हटा देते हैं कि आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश के हवाले से कोई भी मसला हो। तो यहाँ पर है मेरे पास यू डिक्शनरी। यू डिक्शनरी एक बहुत जबरदस्त ऐप है जिसको मैं 2 से 3 साल से यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आता, कोई लाइन समझ नहीं आती, तो आप पूरी की पूरी लाइन भी यहाँ लिख सकते हो, कोई वर्ड भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है आपके पास आपको 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, ये टोटली फ्री है। और इसकी अगर आप इंग्लिश और उर्दू डिक्शनरी डाउनलोड कर देते हो ना तो ये ऑफलाइन भी चला जाएगा, आपको इसके लिए वाईफाई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस विल वर्क परफेक्टली, ये बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, कुछ भी इंग्लिश का वर्ड हो, आप एक वर्ड हो, एक पूरी लाइन हो, आप जो मर्जी यहाँ पर लिख लो, आपको वो कम्प्लीटली जो है वो करके देगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, एक वैसे गूगल पे भी जाए ना तो वो वहाँ पे आके उर्दू इंग्लिश लिखे तो वहाँ पे मैं यानी ऐसे ही करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे जाकर तो वो नीचे आ जाता है। उसमें कभी ठीक आता है कभी ठीक नहीं आता, और वो आप इंटरनेट जब तक है आपका तब तक ही यूज कर सकते हैं या बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं यू डिक्शनरी को। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर आके आपने लिखना है ChatGPT। ChatGPT को पहले आपको जो है वो करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अगेन आप इसको गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा, आप ChatGPT के अंदर आ जाओ, साइन अप आपको करना पड़ेगा और वो गूगल से ही आपने करना है। मेरा साइन अप हुआ है, तो फिर भी ये देख लें यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना नीचे आके गूगल के, इसको मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ से अपने किसी भी अकाउंट से मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ChatGPT भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की या कोई पेड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, एक मिनट। अच्छा, ChatGPT क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो ChatGPT आपको उसका आंसर दे देगा प्रॉपर। जिस तरह से एक इंसान से बात की जाती है ना और उससे चीजें पूछी जाती हैं, ChatGPT भी सेम वैसा है। आप इससे दुनिया का कोई भी सवाल पूछोगे, आप इसको बोलोगे मेरे लिए टैग लिखो, मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिखो, मेरे लिए यूट्यूब का टाइटल लिखो, या मुझे ये करके दो वो करके दो, ये सब कुछ आपको करके देगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया थे कि वो बड़े बड़े पेजेस थे ना जिनको आप कह रहे थे कि ये उर्दू में नहीं हो सकते, उनको आप अगर कॉपी करके पूरे पेज को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो वो उर्दू में आपको नजर आ जाएगा सारा का सारा। अच्छा, अब ये मुझसे कह रहा था कि अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी जो है ना वो कर दो, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरफ हाथ है ना उस तरफ चीज को आपने रखना है, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। इसको वेरीफाई करने में थोड़ा सा जरा टाइम लगता है। क्या वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल इंसान से आप बात करते हो ना वैसे आप बात कर सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में इधर से बात कर सकते हो और आप किसी भी चीज की इससे ट्रांसलेशन पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी आप ChatGPT पे आकर कर सकते हो। ठीक है, मसलन कोई लिखे हैं कोई चीज मुझे समझ आई, नीचे वो आपको जवाब दे देगा कि इस दफा मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई हार्डर दिस टाइम। तो इसकी उसने ट्रांसलेशन करके आप दे दी है, तो आप यहाँ से भी अपनी ट्रांसलेशन पूछ सकते हो अगर आपको यू डिक्शनरी का समझ ना आए तो। आप इसको उर्दू में भी लिखवा सकते हो और इसके अलावा भी आप इसे काफी आइडियाज ले सकते हो। जैसे कि मुझे 10 आइडिया दें इस्लामिक फनी यूट्यूब वीडियोस पर। ठीक है, ये आपको 10 आइडियाज यहाँ लिख कर दे देगी। ठीक है, ये आपका कंटेंट वाला भी हो जाएगा कि यहाँ पर से आप ढेरों ढेर कंटेंट उठा सकते हो। ये आपको पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख के दे सकती है, लेकिन मैं शुरू में आपको फिलहाल ये रेकमेंड नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप अपने माइंड से काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप इसमें ज्यादा पॉलिश्ड हो जाओगे। थोड़े टाइम के बाद जब इंसान के पास टाइम नहीं होता या इंसान थक जाता है, उसके बाद ही चीजें यूज करे ना तो फिर अच्छा भी लगता है। स्टार्टिंग के अंदर ही बिना खुद को पॉलिश किए ये चीजें अगर आप रिलाई करने लग जाओगे ना इनके ऊपर, तो नेक्स्ट आप अपना कंटेंट जनरेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब हम कैपकट की तरफ आते हैं। अच्छा, कैपकट जब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर नीचे जब आप देखोगे तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट, टेम्पलेट्स, इनबॉक्स और मी का। जो मी है ना वो आपकी प्रोफाइल है, जो इनबॉक्स है वो क्रिएटर्स के लिए होता है, जो ये टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं ना उनके लिए होता है। उनके बदले भी उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं। अभी आप फर्स्ट स्टेप पे हो तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो कि कौन सी चीज है, कहाँ से निकलती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है टेम्पलेट्स। अब आप ये टेम्पलेट्स देखोगे ना, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा टिकटॉक में या यूट्यूब पर लोग जो है ना वीडियोस बनाते हैं अपनी। जैसे हम ये वाली वीडियो ले लेते हैं। अब मैंने यूज टेम्पलेट पे जब क्लिक किया है ना, यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ गया वीडियो ऐड करने के। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें टेम्पलेट अच्छा लगता है और आप उसको यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर वो आपको कहेगा कि अपनी वीडियोस ऐड करें। जब आप अपनी वीडियो ऐड करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक वीडियो बनके तैयार हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। ये देख सकते हैं आप, मैं नेक्स्ट का बटन जैसे क्लिक करूंगी ना, मेरी वीडियो बनके रेडी होगी। ये एक ही पिक्चर है यानी कि सब में लग गई? नहीं, ये डिफरेंट पिक्चर्स है जो कि मैंने सिलेक्ट की है, और आप जितनी चाहे उतनी पिक्चर्स जो है इसमें लगा सकते हैं और इसको मजीद एडिट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का ना 1-2 इशू है, वो ये है कि जब आपको या तो जल्दी हो ना या कोई बहुत फेमस टेम्पलेट हो तो फिर वो आप उसको लगा लो। अदरवाइज ज्यादातर लोग आजकल टेम्पलेट्स ही यूज करते हैं, तो वो फिर यूट्यूब में क्या होता है कि आपने पकड़ना होता है नॉर्मल चीज को, ना तो आप वो चीज पकड़ो जिसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, और ना ही वो चीज पकड़ो जिसको सब इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं। ये 2 चीजों को आपने नहीं पकड़ना होता। हाँ, आपने उसको जरूर पकड़ना है, या तो जो ट्रेंडिंग है या वायरल है, या फिर उसको पकड़ लो जो कि नॉर्मल चल रहा है। ये हमारा एक और भी टॉपिक है कि कंटेंट कितने टाइप के होते हैं। कंटेंट 3 टाइप के होते हैं, तो वो आने वाले टाइम में जब हम कंटेंट के बारे में जानना शुरू करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। अभी आपने क्या करना है, इस हफ्ते आपने अपनी 1 या 2 वीडियोस जो है वो बना के तो उनको एडिट करना है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने मेन ऑप्शन की तरफ जो कि है एडिट का। एडिट पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ मेरे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी ऊपर आपके पास काफी ऑप्शन है, लेकिन जो आपका टॉपिक है, टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं करता कि आप ये वाले सारे ऑप्शन चूज करो। अच्छा, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं हम। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ऑडियो का हम थोड़ा वो जान लेते हैं आज। कल मैंने आपको बहुत सिंपल स्टेप सिखाया, जैसे कि वीडियो को स्प्लिट करना, कट करना, डिलीट करना। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में जूम इन जूम आउट सिखाती हूँ आपको, और बाकी मैं आपको ऑडियो एडिटिंग जो है ना आज कवर करवाती हूँ। जूम इन जूम आउट करना बहुत आसान है। अच्छा, अगर ये जो वीडियो होती है मसलन कि 2 घंटे की, 3 घंटे की या 1 घंटे की होती है, कुछ लोग वहाँ से ना क्लिप उठाते हैं, यानी कि जो अच्छे क्लिप लगते हैं वहां से निकाल लेते हैं। तो वो कैसे यहाँ से निकालते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, आप विडमेट से भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो वो अगर मतलब थोड़ी थोड़ी अंदर से निकालनी हो वीडियो, तो वो कैसे निकालते हैं? वैसे वो आपने लगाने नहीं है, क्योंकि वो आपको फॉरन कॉपीराइट क्लेम भेज देंगे। ठीक है, लेकिन वो इस वीडियो के एंड पर मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह से डाउनलोड करना है, और दरमियान से निकालना तो आपको मैं अभी आपको सिखा देती हूँ, लेकिन उस वीडियो को डाउनलोड किस तरह करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी इस वीडियो के एंड पे। ठीक है, अच्छा, आप समझ रहे हो ये वीडियो जिसके दरमियान से आपने क्लिप निकालना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो क्लिप है यहाँ से लेके यहाँ तक निकला है, बाकी सारा क्लिप जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने स्प्लिट कर देना है इसको, और यहाँ से आप चाहते हैं शुरू और वहां पर खत्म हो, यहाँ से भी स्प्लिट कर देना है। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से स्प्लिट हो गया है। अब इसका आगे वाला हिस्सा भी डिलीट करें, पीछे वाला हिस्सा भी डिलीट कर दें, और ये वो इतनी इतनी वीडियो निकल आए जितनी जितनी आप चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको जूम इन और जूम आउट किस तरह से करना है, जैसे आप पिंच करते हैं ना, वैसे आप मोबाइल को इसको पहले सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके जब आप इसको पिंच करोगे तो ये हो जाएगी छोटी, पिंच आउट करोगे तो ये हो जाएगी बड़ी। और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके जो स्क्रीन है इसकी वहां पर मैंने पिंच इन और पिंच आउट किया है, तो ये छोटी और बड़ी हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने सीखना है ऑडियो के बारे में। अच्छा, वीडियो के अंदर जैसे आप आओगे, अगेन वही सारे ऑप्शन है, आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे जाकर आपको मिलेगा एक जो है वो ऑप्शन वॉल्यूम का, आप इस वॉल्यूम पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो इसको वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो मजीद, यानी 1000 कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नॉर्मल रहने दे सकते हो जो कि 100 है, और चाहो तो इसको कम कर सकते हो या म्यूट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल काफी ज्यादा क्लिप्स है और आप उन सब की सब क्लिप को म्यूट करना चाहते हो, हम इसकी आवाज जो है वो बड़ी कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे काफी सारे क्लिप हैं, 4-5, जिनको हम चाहते हैं कि सारे के सारे म्यूट हो जाएं, तो बजाय इसके कि हर एक वीडियो के ऊपर हम जाएं और उसका वॉल्यूम जो है उसको कम करें, उसके बजाय यहाँ पर आप आएंगे वीडियो के शुरू में, वीडियो के शुरू में साइड पे एक ऑप्शन बना हुआ है सेम ऐसा ही, ये देखिए, ये मैंने इसको म्यूट और मैं इसको टच कर रही हूँ, म्यूट और अनम्यूट कर रही हूँ, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको जैसे ही प्रेस करोगे ना, आपकी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो अनम्यूट या फिर म्यूट हो जाएगी। आपको एक एक क्लिप पर जाकर उसको स्पेशली म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसके आगे क्रॉस लग गया कि अब कोई भी वीडियो के अंदर जो आवाज है ना वो नहीं आएगी। सही होगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो की आवाज हमने बंद कर दी है, लेकिन हमें वैसे आवाज चाहिए वीडियो के अंदर, या अलग से अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करके रखी होगी तो वो आपको चाहिए, तो यहाँ पर ऐड ऑडियो का बटन है और उसको क्लिक कर देंगे, जो कि वीडियोस के सीधा नीचे आपको प्लस का साइन और ऐड ऑडियो लिखा नजर आ रहा होगा, आपने वहां पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आपके पास सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे, साउंड, कॉपीराइट, साउंड इफेक्ट्स, एक्सट्रैक्ट और रिकॉर्ड का। अब हमारे पास यहाँ पर इन्होंने 5 ऑप्शंस दिया हुए हैं, जो कि है साउंड, कॉपीराइट, साउंड इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, साउंड एफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और रिकॉर्ड दिया हुआ है। रिकॉर्ड में क्या होता है कि वीडियो ऊपर चल रही है, रिकॉर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसमें क्या होता है कि वीडियो ऊपर चल रही है और वीडियो के ऊपर चलते चलते ही आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर ही कर सकते हो। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, 3, 2, 1 कहेगा वो, और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग जब आपने इसके ऊपर 3, 2, 1 करके स्टार्ट हो गया ना, तो जो भी आप बोलोगे इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। सही है। अब जबकि हमारी चीज वो रिकॉर्ड हो चुकी है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ये वाली जो लाइन बन गई है ना हमारी नई, ये आपकी रिकॉर्डिंग होगी जो कि आपको शो हो जाएगी। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, आप इसमें ये कर सकते हो कि अपनी वॉइस को आप इनहेंस कर सकते हो, यानी कि अगर पीछे कोई शोर वगैरह आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ये है वॉइस इनहेंसर। तो आप इसको अलाउ कर दोगे तो वो आपकी आवाज के पीछे जितने भी शोर होंगे ना उनको कैंसिल कर देगा या उनको स्लो कर देगा, और अगर कोई बहुत दूर से शोर आ रहा है तो उसको वो बिल्कुल ही रिमूव कर देगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वॉइस चेंजर का, जब आप वॉइस चेंजर का सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आते हैं डीप वॉइस के, हाई वॉइस के, इको वॉइस के, लो वॉइस के, लोफी वॉइस के और डिस्टोर्टेड वॉइस के। ये बेसिकली क्या होते हैं कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, नॉर्मली बात कर रही हूँ, अगर मैं एक लड़का होती तो मेरी आवाज ऐसी ना होती, मेरी आवाज काफी लो पिच पे होती, लड़कों की जैसी आवाज होती है ना, काफी भारी भारी होती है। तो बेसिकली आप इसे रिकॉर्ड करके लड़के या लड़की की आवाज निकाल सकते हो, अपनी आवाज को भारी कर सकते हो, एक रोबोट की तरह बोल सकते हो, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल सकते हो या किसी लड़की की आवाज निकाल सकते हो, बहुत हाई पिच पे लेके जा सकते हो। अच्छा, जो लड़की की आवाज होती है ना वो हाई होती है, इसका भी मैं आपको समझा देती हूँ। इंसान का जो गला होता है ना, गले में हमारे होते हैं 2 वोकल्स, जो लड़के होते हैं ना वो अपना वोकल जो यूज करते हैं वो होता है लो वोकल, जो लड़कियां होती हैं वो अपना वोकल यूज करती है हाई वोकल। इसीलिए लड़कियों की और छोटे बच्चों की आवाज होती है पतली, बारीक और हाई वोकल के ऊपर, और जो मर्द होते हैं उनकी आवाज होती है भारी और लो वोकल के ऊपर होती है। तो ये आपने जहन में रखना है, ऑडियो एडिटिंग जब भी आप करोगे, लो का मतलब है भारी आवाज और हाई का मतलब है पतली आवाज, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर काफी ज्यादा वॉइस हैं, जैसे करैक्टर्स की वॉइस है, ये रोबोट की वॉइस है और ट्रिक्स्टर की है, एक एआई की है। आप इनमें से काफी ज्यादा वॉइसेस जो है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपको इनफ ना लगे तो और भी काफी वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत सारी वॉइसेस निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का। होता ये है कि एक वीडियो है, वीडियो के अंदर से मुझे उस वीडियो के अंदर से सिर्फ ऑडियो चाहिए, मुझे उसकी वीडियो चाहिए ही नहीं है, मुझे इधर सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑडियो चाहिए। तो मैं एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर से ये ऑडियो जो है मुझे चाहिए लेकिन वीडियो नहीं चाहिए। तो जब एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पर मैं जाकर अपनी गैलरी से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करूंगी ना तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आएगी, मेरे पास वो वीडियो यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए, आपने वीडियो के पीछे सुना होगा कि एकदम से वुश की आवाज आती है या हंसने की आवाज आती है या बच्चे की हंसने की आवाज आती है, क्लैपिंग की आवाज आती है। वो जितने भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना वो यहाँ पर मौजूद है, बस उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब कोई आपने सुना होगा कि कोई मुक्के की भी आवाज होती है काफी वीडियोस के अंदर, या कोई डिशुम की आवाज होती है। जितने भी मतलब साउंड इफेक्ट्स हो गए ना आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको उनके नाम याद रखने होंगे और यहाँ पर आप आके चेक कर सकते हैं कौन कौन से साउंड इफेक्ट्स है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने से ये होगा कि आपकी ऑफलाइन भी आप एडिटिंग करोगे ना तो ये सारे साउंड इफेक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीराइट। साउंड वगैरह पे हम चेक करते हैं कॉपीराइट को। तो जो 1 मिनट से बड़ी वीडियो होगी ना उसके ऊपर हम जब ये कॉपीराइट लगा देंगे, ये वाला चेक करने के लिए लगा देंगे, तो वो हमें चेक करके बता देगी कि क्या ये वीडियो के अंदर कॉपीराइट है या नहीं है। कॉपीराइट अगेन वही चीज जो किसी दूसरे की चीज आप उठा के अपने वीडियो पे लगाते हो तो वो कॉपीराइटेड होती है। इसके ऊपर भी हमारी एक प्रॉपर क्लास होगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि कॉपीराइट से आप अर्निंग नहीं कर सकते। कोई भी चीज के ऊपर अगर कॉपीराइट है तो वो मोनेटाइज नहीं होगी, ना ही उससे आपकी अर्निंग आएगी। फिर हमारे पास चीज आ जाती है ये साउंड्स। साउंड्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास और मजीद 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर साउंड्स जो है वो इनके अपने भी हैं जो कि डिफरेंट साउंड्स होते हैं। एक होता है व्लॉग का साउंड, एक होता है ट्रैवल का, एक होता है पॉप साउंड, बीट्स का होता है, फ्रेश होता है, स्लिप होता है, पॉपअप एल्बम होती है, लव लेसन होता है। तो अच्छा, ये इनके फोल्डर क्यों बनाए गए और ये अलग अलग क्यों है? अब ये जो है ना ये डिपेंड करता है वीडियो के ऊपर। जैसे कि कोई अगर दुखी वीडियो है तो उसके ऊपर आप कोई शादी वाला सॉन्ग तो नहीं लगा सकते हो, शादी वाली बीट्स वाला पॉप म्यूजिक नहीं लगा सकते हो। तो अगर कोई दुखी वीडियो है तो उसके पीछे आपको सैड सॉन्ग या ट्रैवल सॉन्ग या कोई ऐसा सॉन्ग जो कि दुखी लग रहा हो वो लगाना है आपने। और कोई खुशी वाली सेलिब्रेशन वाली वीडियो तो उसके ऊपर पॉप लगेगा, बीट्स लगेगा या फ्रेश वाला लगेगा, उसके ऊपर आप दुखी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो टिकटॉक के अपने साउंड्स हैं और सॉन्ग्स हैं, यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग अपनी वीडियो के मुताबिक उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फोल्डर। यहाँ पर फोल्डर में जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होंगी ना वो होंगी जो फोन के अंदर आपने चीजें रिकॉर्ड की होंगी ना, यहाँ पर वो वाली होंगी डिवाइस के ऑप्शन के अंदर। ये एक्सट्रैक्टेड जो होंगे ना, जो मैंने आपको भी तरीका सिखाया एक्सट्रैक्ट करने का, ये वो सॉन्ग्स हैं जो कि आपने अभी एक्सट्रैक्ट किए हैं या वॉइस हैं जो आपने इन पास्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट की थी, ठीक है। और ये जो डिवाइस का ऑप्शन होगा ना, डिवाइस के अंदर यहाँ पर आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होगी जो आपने फोन के अंदर रिकॉर्ड करके रखी होगी एज अ ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर आपको सारी शो हो जाएंगी, यहाँ पर से भी आप उसको उठा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ट्रेंडिंग में कोई अगर सॉन्ग जा रहा है, ये आपको फायदा नहीं होगा इस वाले फीचर का, क्योंकि आपका इस्लामिक टॉपिक है ना तो आप लाजिम है ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके कुछ यूज के नहीं है। इसमें इस्लामिक नहीं होते, इस्लामिक जो है ना वो आपको ज्यादातर यूट्यूब से ही मिलेंगे। आप हलाल म्यूजिक लिख लीजिएगा, रिलीजियस साउंड लिख लीजिएगा, ह्यूमन साउंड लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं साउंड जो कि इंसान के वोकल से निकलते हैं। जैसे कि एक है एक सॉन्ग है उसमें म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अगर अपने चैनल पर आप हलाल व्लॉगिंग करना चाहो तो उसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी मस्जिद में गए हो या किसी ऐसी जगह पे गए हो जो कि इस्लामिकली मतलब कि इस्लाम की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके पीछे अगर म्यूजिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अच्छा, ये जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपके फेवरेट सॉन्ग्स जो है ना वो दिखाई देंगे। जैसे कि अगर ये मैंने गाना सुना है सर्चिंग करते हुए, ये गाना मैंने सुना मुझे पसंद आ गया तो मैं इसको सेव कर लूंगी। जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। फिर ये है कि ये गुम नहीं होगा क्योंकि सर्चिंग करते हुए अक्सर जो है वो गाने गुम हो जाया करते हैं। तकरीबन हमारी सारी चीजें कवर अप हो गई हैं। और साउंड्स के अंदर जाके तो आप जब यहाँ पर से या यहाँ पर से सॉन्ग उठाना है तो वो किस तरह से उठाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी सॉन्ग आपने सुना है, आपको पसंद आया है कि ठीक है ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर लगाना है, तो आप ये करोगे कि यहाँ पर प्लस का बटन है उसको क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर से सॉन्ग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। अच्छा, अब लास्ट चीज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो ये है कि आपने क्रोम पर आना है। क्रोम पर आके आपने यहाँ पर लिखना है विडमेट। यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा होगा इसका लोगो जो है वो मैच कर लीजिएगा। है आपके पास ये? मेरे पास है, मैं इससे चीजें डाउनलोड करता हूँ। हाँ, तो बस जो आपने वीडियो या साउंड करना होगा इस डाउनलोड तो आप इससे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की अगर क्लास के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये मैं फिर वाइंड अप करती हूँ। जी, मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ लास्ट क्लास का।